और एक बात माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, ये जो लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, ये हम सबकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट्स वर्सेस एंटी डेमोक्रेट्स। ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली से आए, राजनाथ सिंह हेडेड बाय देश के होम मिनिस्टर साहब, कुछ मेंबर पार्लियामेंटेरियन वेटरन लोग चले गए, कुछ बड़े बड़े सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड है, असली ये है इलेक्टेड पीपल्स ने चुन के भेजा है। वो आपको भी बैठो 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 उनको बोलो ना इलेक्शन में आओ, इलेक्शन लड़के देखो। बोले आप, बोले आप, माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आप बोले, आप बोले, माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आप बोले। जब ये सो कॉल्ड लीडर जो कश्मीर के कातिल है, ये इन्होंने जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया, उनके उनके दरवाजे पर हमारे देश के बड़े बड़े लीडर गए, शरद यादव जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरी उम्र इस डेमोक्रेसी की लाज रखी, जिन लोगों ने, और उनके दरवाजे पर लगे, हम उनके तलवे चाटेंगे। दिनेश शर्मा जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, ऑनरेबल मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक ऐलान किया, एवरीबॉडी इज वेलकम। हमने कहा आओ, कोई बात नहीं, हमारे लोग, कोई बाहर के नहीं है, इंडियन है। मेरे को वो दिन याद है, मेरे को आई डू रिकॉल दैट पर्टिकुलर डे व्हेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वंस सेड, मिस्टर अली शाह जिलानी, यू वाज बोर्न एज एन इंडियन एंड यू विल डाई एज एन इंडियन बिकॉज यू आर एन इंडियन। आप तो मर्जी बोलो। ये जो हम आपस के अंदर रशीद साहब, ये आपस की जो लड़ाई है, इसको खत्म करके, ये मैंने पहले कहा, जमहूरी निजाम में यकीन रखने वाले लोगों का और जिस जमहूरियत का कत्ल करने वाले लोगों के बीच की लड़ाई, और इसीलिए अच्छा होता आप कभी बात करते, अच्छी बात होती, अच्छी बात होती आप कभी, आप कभी बात करते, यहां से कभी आवाज उठती कि गिलगित बल्तिस्तान हो, अस्कर्दू हो, पर आप चिनार हो, जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहां हमारे भाइयों का कत्ल किया, जो मुजफ्फराबाद, पलंदरी, बाग, सुगनोती, मीरपुर, कोटली जैसे एरियो के अंदर जो आज वहां दहशत गर्दी और कतलेआम चल रहा, वो भी हमारे लोग, वो भी हमारे भाई, जब उनका कत्ल होता है हमारे सीने में भी दर्द होता है, लेकिन जरूरत नहीं है इधर किसी को बात करने की। भारत सरकार जो है वो हमेशा शांति प्रिय देश है, भारत ने पूरी दुनिया के अंदर हमेशा शांति का पैगाम दिया है माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, लेकिन परेशानी यह है, परेशानी गलती को गलती की, जिनका अपना घर ठीक नहीं है उन्होंने हमारे कश्मीर को तबाह किया, लेकिन हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन आए, प्यार आए, भाईचारा आए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। हम चाहते हैं ये जम्मू कश्मीर के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सब मिलकर उन फोर्सेस के खिलाफ लड़े जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, हमारे जवानों का कत्ल किया है, एक मिलकर वो तो जनाब है, तो फिर अगर कोई बात, अगर फिर एनआईए की बात होगी तो फिर तकलीफ भी ना होनी चाहिए, इसलिए होती है, इसलिए आप, इसलिए स्पीकर महोदय, हम सबको मिलकर जो इस इलेक्शन लड़के इस प्रोसेस से निकल कर यहां आए हैं, हम सब की एक जिम्मेवारी कि जब देश की बात है, जब जमहूरियत की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, हमको एक होना से पड़ेगा डिप्टी स्पीकर महोदय, नहीं तो लोग कहेंगे ना कि वोट इंजीनियर रशीद को दे और ये जाके गिलानी के पांव में पड़ता है, तो आपको क्यों दे, वो तो आपके खिलाफ है ना, वो तो आपके भी खिलाफ है ना, कि जिन लोगों के आप हम अंबरदार बन के यहां आए हैं वो आपको चुनावों में ले जीत लेंगे, आपके खिलाफ है, आप बैठो ना जी, और
बगैर बातचीत की बात करते हैं, बातचीत की बोला डायलॉग प्रोसेस। हमने वो लोग डिप्टी स्पीकर महोदय, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साइन ऑफ इंटरनेशन लगाते हैं, जितना सेक्रीफाइसेस जम्मू कश्मीर के लिए हमारे लोगों ने दिए, और मेरे को याद है आप डायलॉग की बात करते हो, ये तो कांग्रेस के लोग उस अपने जमाने में फेल हो गए। हमारे सरकार में भाजपा साहब ने तो हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को टेबल पर ला के रख दिया था, लेकिन डिप्टी स्पीकर महोदय आप बताओ ये क्या, डिप्टी स्पीकर महोदय हमने जो ऑप्टिमम लेवल था डिस्कशन का, ऑप्टिमम लेवल बियॉन्ड लेवल आई वुड से, हमने वो भी किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। सलाउद्दीन का बेटा, उनके बच्चे, गिलानी के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, लंदन में जाकर मजा करे और आम कश्मीरी वहां मारा जाए, ये नहीं होगा साहब, ये नहीं होगा। आप बैठो, डिप्टी स्पीकर महोदय, इनके बच्चे तो लंदन, दुबई, इंग्लैंड के अंदर जाके पढ़े, नौकरियां करें, और बाकी स्कॉलर, चलो कंक्लूड करें, 10 मिनट रह गए, ऑनरेबल सीएम को आप जवाब देना है, कंक्लूड करें, रहने साहब, ये नहीं चलने वाला, हम जमुई, हमको अपने जमुई इस निजाम को मजबूत करना है, और एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करें, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जनता का, थैंक यू, थैंक यू। जैसे अभी मेरे छोटे भाई रैना ने बताया कि उस वक्त बहुत बड़ी टीम, जब 2016 में यहाँ हालात खराब थे, दरवाजे पे चले गए, वो इसलिए दरवाजे पे नहीं गए कि वो कोई कमजोर लोग थे, वो बहुत बड़े लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिर, उनके जानो माल के तहफ्फुज की खातिर दरवाजे पे चले गए। ये भी रुख है, ये भी एक चेहरा है हमारे मुल्क के लोगों का कि वो दरवाजे पे गए, उनको बोला दरवाजा खोलो, हम बात करना चाहते हैं, मगर फिर वही हो गया, हम बातचीत नहीं करेंगे। आज इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट हो गए, 5-6 महीने हो गए, नो दे आर नॉट बॉदर।